हम दोनों चूतिए हैं। अगर धर्म के आधार पर हुआ और मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया है तो जो बचा है वो हिंदुस्तान हिंदुओं का है, इसलिए इस देश को हम सेकुलर नहीं मान सकते। और अगर ये कुछ आया है प्रियम्बल के बारे में, उसमें से सेकुलर शब्द डिलीट हुआ है तो हमेशा के लिए डिलीट होना चाहिए। ये देश का संविधान सेकुलर शब्द से ही जुड़ा है। इस देश में जो भी काम होता है आज भी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, वो जात और धर्म को देखकर नहीं कोई काम करता। मैं कैसे मान लू के तू ही टक्कर पहलवान है। पापू चश्मा उतार के देखता ना तो मोहल्ले में नौ खड्डे दिखते थे जो फैयाज ने अपनी टक्कर। अबे मैं कैसे मान लू के खड्डे तूने किए ले है। आजमा रे लाए, तू बोल किसको फोड़ो रे, तेरे में दम है क्या, तू बोल रे, फोड़ दे इसको। अबे क्या करता है, मेरे से पैसे लेता इधर ही खड्डा करेगा, हट के लिए क्या? एक काम कर, तू इधर आ जा, एक काम कर, बोल, चल इस दीवार में खड्डा कर लो। जावेद भाई खाली हुक्म कर, इसका सत्यान अभी मेरे को वाकई लग रहा है कि वाकई में टक्कर पहलवान है। आ जा, मेरे को चक्कर आ रही, जॉन भाई इसको समझाओ। उधर बोल, पता नहीं तेरे को चक्कर आ रही है क्या, तेरे को चक्कर आ रही है, हट जा भाई इधर से, हट जा इधर, लड़ जा, चला जा इसको कब्रिस्तान छोड़ के। अरे कब्रिस्तान क्यों, अस्पताल, अस्पताल। अबे अस्पताल से कब्रिस्तान जाएंगा, इससे अच्छा डायरेक्ट कब्रिस्तान जाना। चलो शकुर भाई आप कितने अच्छे इंसान। मरदूद भाई आपका भी जवाब नहीं। हुड़ू, हुड़ू। शकुर भाई कब्रिस्तान ना। ए भैया सुन ला हेलो, अरे चुनाव के बिगुल फुका गइल बा। म्यूजिक ये फोर भी घनघोर है, हाथों में जचती नहीं है लकीरें, ये हराम खोर है, कमो का शोर है, ये फोर भी घनघोर है, हाथों में जचती नहीं है लकीरें, ये हराम खोर है। I like it, get, like it, I'm like it. What are you? An idiot sandwich. What are you? An idiot sandwich. दोस्तों इस वक्त मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं कि मेरे भाई और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ आप खड़े होइए। इस वक्त अगर आप अर्नब के साथ खड़े नहीं होंगे तो ये देश का लोकतंत्र जो है वो नीचे चले जाएगा। इस वक्त दोस्तों अर्नब को फिजिकली असॉल्ट किया गया, परमवीर सिंह के कॉप्स जो वर्दी के अंदर आए थे उन्होंने फिजिकली असॉल्ट किया है, उनको मारा है, उसके बाद उनको जेल ले गए हैं। एक जर्नलिस्ट जिसने हमेशा सच्चाई की आवाज़ उठाई, जिसने आपकी आवाज़ उठाई, जिसने हर आपकी लड़ाई में उसको एक प्लेटफॉर्म दिया, अगर आज हम देश की जनता उनके साथ खड़े नहीं हुई तो देश के लिए बड़ा नुकसान होगा। एक राष्ट्रवादी पत्रकार के साथ अगर इस तरीके से होता है दोस्तों इस लोकतंत्र में और इस 21वीं सदी के भारत में, तो इससे बड़ा ब्लैक स्पॉट और इंडियन डेमोक्रेसी नहीं हो सकता। मीडिया के साथ ही जो बड़ी बड़ी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, इस वक्त वो शांत हैं, चुप हैं और वो सब अपनी आत्मा को खो चुके हैं, उनमें आत्मा ही नहीं है मुझे लगता है। पर उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस वक्त अर्नब के साथ हुआ है तो कल को आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि दमनकारी ताकतें जो होती हैं किसी को देखकर नहीं चुनती हैं। पर मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास इस कोर्ट्स में, और मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस देश के कोर्ट से, ऑनरेबल कोर्ट से, माय लॉर्ड्स आप इसको देखिए, आप इसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लीजिए, बिकॉज अर्नब के का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो क्वेल नहीं किया जा सकता। अगर अर्नब के साथ ऐसा हो सकता है तो इस देश के जनमानस में न्याय और जस्टिस की जो लड़ाई है उसके प्रति विश्वास की कमी आ जाएगी। मैं पीएमओ से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको इंटरवीन करिए। ये इस तरीके से आर्टिकल 19(1)(a) को सप्रेस किया गया है, एक केस जिसके अंदर क्लोजर रिपोर्ट ऑलरेडी दाखिल हो गई
गई थी उस केस को वापस से उसको खोलने की कोशिश की गई है। ये इलीगल है, कोर्ट के अंदर जब मैटर चल रहा है। सुबह 6:30 बजे अगर कॉप्स आते हैं किसी जर्नलिस्ट में बिना समन के, ये दर्शाता है कि ये इमरजेंसी का माइंडसेट है महाराष्ट्र के अंदर। आज देश के लोगों को सब काम छोड़कर, हर चीज जो आप कर रहे हैं वो छोड़कर इस वक्त अर्नब के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि अगर आज आप अर्नब के साथ खड़े नहीं हुए तो आपको, आपके साथ भी ये चीज हो सकती है, क्योंकि आप सब और हम सब मिलकर सच्चाई के लड़ते हैं और सच्चाई से लड़ने वाले खुदा का हम सबको समर्थन करना है। मैं अर्नब के साथ खड़े होने के लिए बॉम्बे जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जगह पे भी अर्नब के साथ खड़े होइए। जस्टिस फॉर अर्नब गोस्वामी, ये देश की मांग है। आई स्टैंड विद अर्नब। गो टू द नॉर्थ गेट, टू द मेन गेट ऑफ JNU, एज लार्ज नंबर्स एज यू कैन। देयर इज मीडिया प्रेजेंस देयर, देयर इज दिल्ली पुलिस प्रेजेंस देयर, बट दिल्ली पुलिस इज नॉट गोइंग इनसाइड कैंपस, देयर नॉट कंट्रोलिंग द सिचुएशन। प्लीज एज सिटीजंस, collect in large numbers in front of the main gate and please pressurize the police to act. I mean to stop this rampage. This is, it's absolutely crazy. You are the people in history they warned us about. They warned us about people like you. Pay attention. We're losing our democracy. Wake up. Wake up! Сегодня будет туса, я сегодня напился. Сегодня будет туса, я сегодня напился. Сегодня будет туса, ла-ла-ла-ла-ла-ла, на-на-на-на-на. Сегодня будет туса, я сегодня напился. 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 Сегодня будет на-на-на-на-на. Это бибибеби, я сегодня напился. У меня выходной, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сегодня будет туса, я сегодня напился. Сегодня будет туса, я сегодня напился. Сегодня будет туса, я сегодня напился.